नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत। कि काफी सारे व्यक्ति जो है कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरा नया राशन कार्ड नहीं, किसी कारणवश नहीं बन पाया है, छूट गया। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति बिहार से बिलोंग करते हैं, वे जो है अपने किसी कारणवश जो है नया राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वे जो है नया राशन कार्ड के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और कहाँ पर होगा और कब से स्टार्ट होगी, मैं लाइव प्रूफ के साथ फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ और कहाँ पर आप लोग का ये नया राशन कार्ड बनाया जाएगा, सारा जानकारी को मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। जो भी व्यक्ति बिहार से बिलोंग करते हैं, वे जो है किसी कारणवश नया राशन कार्ड नहीं बना पाए, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। तो ये वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप सरकारी योजना से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप लोग जान सके हम सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये नए राशन कार्ड कब से आवेदन होगा, उसके बाद कैसे आप लोगों का फॉर्म फिलअप करना है, लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूं। नए प्रशासन एवं वार्ड पार्षदों के साथ एसडीएम की बैठक में फैसला, 15 के बाद छूटेला भूखों का बनेगा राशन कार्ड। ये जो है 15 के बाद जो है आप लोग का जो भी व्यक्ति का नया राशन कार्ड नहीं बन पाए थे, वे जो है 15 के बाद जो है अपने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है मैं सारा जानकारी को इस वीडियो में देने वाला हूँ। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया होगी शुरू, पटना नगर निगम क्षेत्र में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होगी। इस बाबत मेयर के नेतृत्व में पार्षदों की एक टीम जिला अधिकारी कुमार रवि से मिली। डीएम ने जल्दी ही राशन कार्ड के लिए आवेदन लेने की बात कही है। इसके लिए निगम के सभी अंचल कार्यालयों को जिला अधिकारी की तरफ से अधिकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग को जो है ये नया राशन कार्ड के लिए ये जो है 15 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। यहाँ पर जो है आप लोग अपने ब्लॉक में जाकर पता कर लीजिएगा कि आपका ब्लॉक में जो है कब से ये नया राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू होगी। आप लोग एक बार अपने ब्लॉक में जाकर पता कर लीजिएगा। बात निकल कर आ रही है, आप लोग कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे और कहाँ पर आप लोग को जमा करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या इसमें टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, सारा जानकारी को मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये जो है नया राशन कार्ड के लिए है, जो भी व्यक्ति नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खास है। देखिए यहाँ पर लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र, देखिए यहाँ पर प्रपत्र जो है एक क है, प्रपत्र ख जो होती है उसमें सुधार करने के लिए जो है प्रपत्र ख होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आप लोग को यहाँ पर पूरा फैमिली का जो है पूरा फैमिली मेम्बर का जो है यहाँ पर आप लोग का फोटो चिपकाना होगा। जिनका जिनका जो है आप राशन कार्ड में नाम ऐड करना चाहते हैं उनका जो है इसमें पूरा फैमिली का फोटो चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग का ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, यहाँ पर जो है जब भी राशन कार्ड बनती है वे जो है लेडीज़ के नाम पर यानी कि औरत के नाम पर यहाँ पर जो है राशन कार्ड बनाया जाता है, जेंट्स के नाम पर जो है राशन कार्ड नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कीजिएगा तो यहाँ पर जो है अपने पत्नी के नाम पर कीजिएगा, यहाँ पर जो है लेडीज़ के नाम पर ही ये राशन कार्ड बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आवेदक का नाम, जिसके नाम से आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उनका नाम यहाँ पर को दे देना है। उसके बाद यहाँ पर उनका आधार नंबर जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर जो है आप लोग मोबाइल नंबर ही फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फोन नंबर में जो है आवेदक के पिता पति का नाम, तो यहाँ पर जो है आवेदक का जो भी पति का नाम होगा यहाँ पर पति का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है 5 नंबर पूर्ण आवासीय पता, तो यहाँ पर जो आवासीय का यहाँ पर पता दे देना है, यानी कि एड्रेस को जो है यहाँ पर फुल एड्रेस को जो है यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। इसमें जो भी एड्रेस दीजिएगा आपका राशन कार्ड पर जो है वही एड्रेस छप कर आएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको ग्राम लिख देना है, उसके बाद जो है वार्ड लिख देना है, उसके बाद पंचायत, उसके बाद जो है पोस्ट, उसके बाद थाना, उसके बाद जिला, आपको इसी में जो है आपको हटाना छोटा छोटा कट कर जो है आप लोग लिख सकते हैं। आप कहीं से भी राशन कार्ड बनवाइए, आप लोग का यही आप लोग का राशन कार्ड का फॉर्म फिलअप करना होगा। आप कहीं से भी राशन कार्ड बनवाइए, आप यही फॉर्म जो है आप लोग का फिलअप करना है। 6 नंबर में आप देख सकते हैं कि बैंक का IFSC कोड, जिसके नाम से आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका जो है नाम से बैंक खाता होना बहुत जरूरी है, तो उनका जो है बैंक खाता होना जरूरी। आप लोग का पासबुक पर जो है लिखा होगा IFSC कोड, तो यहाँ पर जो है आप IFSC कोड जो है पासबुक पर से देकर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद जो है अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद बैंक तथा शाखा का नाम, आपका जो बैंक है किस बैंक में आप लोग बैंक में खाता खुलवाएं वहाँ पर बैंक का नाम दे देना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देना है, पंजाब नेशनल है तो पंजाब नेशनल बैंक लिख देना है, उसके बाद सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल बैंक लिख देना है। जो भी आपका बैंक है यहाँ पर आपको बैंक का नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर में राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण, आपको जो है आप लोग दूसरे पेज में आइएगा तो यहाँ पर जो है जो भी आपका फैमिली में होगा, जितने सदस्य आपको फैमिली में होगा यहाँ पर जो है उन सभी का जो है यहाँ पर विवरण देना होगा। सबसे पहले तो जिसके नाम से आवेदन हो
रही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीता देवी, तो आपको जो है सबसे फर्स्ट में जो है यहाँ पर सीता देवी लिख देना है, जिसके नाम से जो है आवेदन हो रही है उनका नाम फर्स्ट में लिखना है। उसके बाद पिता पति का नाम, उनके पति का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद लिंग यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति यहाँ पर डाल देना है, हाँ ना। उसके बाद यहाँ पर संबंध, यानी कि इसका संबंध क्या है, तो यहाँ पर जो पति है तो पति फिलअप कर देना है। उसके बाद इनका जो है सीता देवी का आधार नंबर कितना है, तो यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर क्या है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। कहीं पर ऐसा फॉर्म मिलेगा जो यहाँ पर से कट होगी, ये जो है दूसरा का पेज हो गया। उसके बाद तीसरा का पेज यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। कहीं पर जो है एक के पेज में जो है सारा का सारा जो है दिया गया है। सारे सरकारी सेवक यहाँ पर जो है, आप लोग जो भी व्यवसाय सरकारी सेवक है तो यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर गृहिणी लिखा गया, आप लोग मजदूरी करते हैं तो यहाँ पर गृहिणी लिख देना है। उसके बाद आमदनी का स्रोत जो है यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर कृषि लिखा गया है, तो आप उसके बाद मासिक आय कितना है, तो यहाँ पर जो है 4000 से ज्यादा नहीं लिखना, नहीं तो आपका राशन कार्ड का रद्द कर दिया जाएगा, आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। यहाँ पर 4000 से ज्यादा नहीं देना है मासिक आय। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे में सीता देवी का पति का नाम क्या है, तो सोनू, तो सोनू का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सोनू का पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पर जैसे राजेश शाह लिखा गया है, सोनू का पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे सीता के पति के पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लेना है कि पुरुष है या स्त्री है। उसके बाद उम्र यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो वैवाहिक स्थिति, हाँ तो हाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद संबंध क्या है, तो पिता है, यहाँ पर राजेश शाह का जो है ये लड़का है तो हो गया पिता, तो यहाँ पर जो है पिता लिख देना है। उसके बाद जो है आधार नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसका सरकारी व्यवसाय सरकारी सेवक क्या है, तो किसान है, तो यहाँ पर किसान लिख देना है। उसके बाद कृषि, उसके बाद यहाँ पर 4000 आपको नहीं देना है, 4000 एक के बार लिखिएगा। यहाँ पर 4000 करके आप नीचे लिखते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग जो है एक के बार यहाँ पर सबसे ऊपर में आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग नीचे करके नहीं लिखना है, नहीं तो आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, आपका राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा। जैसे मैं सोनू का लड़का का क्या नाम है, तो जैसे अनिल, तो आपको इसी प्रकार से जो है नीचे करके जो है लिखते चल जाना है। तो जैसे अनिल नाम है, तो अनिल का पिता का क्या नाम है, तो सोनू, तो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिंग सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष स्त्री लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर उम्र 12 साल। उसके बाद यहाँ पर विवाहित स्थिति, अगर हो गया है तो यहाँ पर हाँ लिख देना है, अगर नहीं हुआ तो सीधा कट कर देना है। उसके बाद जो है संबंध में क्या है, तो पिता है। तो उसके बाद यहाँ अनिल शाह का जो है यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है, अलग अलग है तो अलग अलग दे सकते हैं, अन्यथा एक ही तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद सरकारी सेवक जो है ये जो पढ़ाई करती है, तो यहाँ पर जो पढ़ाई लिख देना, या किसान है तो किसान लिख देना, या मजदूरी करती है, तो यहाँ पर जो भी है यहाँ पर लिख देना। उसके बाद जो है यहाँ पर आमदनी का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर जो है खाली। उसके बाद जो है मासिक आय में छोड़ देना है इसी प्रकार से। उसके बाद जो है इसी प्रकार से जो है आप लोग को नीचे की तरफ आप लोग को फिलअप करते चलाना है। आप लोग ऐसे दूसरा का पेज में आइएगा, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सावधानी बरतनी है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे हमें 10 नंबर में फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर हाँ नहीं पर टिक लगाए। ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जो भी ग्रामीण से बिलोंग करते हैं उनके लिए ऊपर का ये फॉर्म फिलअप करना है। और जो भी शहरी क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पर 11 नंबर में आप देख सकते हैं 11 नंबर में शहरी क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर आवश्यकता अनुसार हाँ नहीं पर टिक लगाए। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो इस पर टिक लगाना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको जो है इसका टिक लगाना है। आप दोनों में से एक ही पर आप टिक लगा सकते हैं, आप शहरी से तो शहरी पर, अगर ग्रामीण से तो ग्रामीण क्षेत्र से। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर मोटर चालित तिपाहिया चार पहिया वाहन है हाँ या नहीं पर टिक लगाए, तो आपका जो है नहीं पर टिक लगाना है। उसके बाद मशीन चालित 3-4 पहियों वाले कृषि उपकरण है, तो यहाँ पर जो है सभी पर जो है आपको नहीं 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 पर आपको टिक लगाना है। आप धोखाधाकी से आप अगर हाँ पर टिक लगा देते तो आपका जो है कुछ परेशानी आ सकती है, आपका राशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा, आपका राशन कार्ड भी नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है सभी पर आपको नहीं 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 पर टिक लगा देना है। आपका थोड़ा बहुत आपको है, आपको इधर उधर है, तो फिर भी जो है आप लोग को नहीं पर ही टिक लगाना है, आपको हाँ पर टिक नहीं लगाना है, नहीं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर आप वीडियो को रोक कर जो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। आप लोग यहाँ पर सभी पर नहीं नहीं पर आप लोग को टिक लगा देना है, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो चल जाएगा, आप लोग को नहीं पर टिक लगाना है। और उसके बाद जो है ये जो मैं बताया हूँ कि ये जो है शहरी क्षेत्र के लिए है, अगर आप शहरी से आते हैं तो इस पर आपको टिक लगाना होगा सभी पर। उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो मैं ऊपर दिखाया हूँ, यहाँ पर आपको ये पर टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है दिनांक, आप किस दिन आवेदन कर रहे हैं उनका दिनांक जो है इस पर इसमें फिलअप कर देना है। आप ये जो फॉर्म जो है आप लोग को RTPS काउंटर पर जमा करना होगा, तभी जो है ये राशन कार्ड बन पाएंगे। कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है यहाँ पर ब्लॉक में RTPS काउंटर पर, तो आप लोग जो है नज़दीक में चले जाइए काउंटर के पास,
तब भी जो है यहाँ पर डेट फिलअप कीजिएगा, अन्यथा आगे जो है आप लोग डेट नहीं डालिएगा, अन्यथा हो गया कि आप उस दिन लाइन में खड़े हैं, हो गया आपका लेट टूट हो गया, किसी कारणवश जो है काउंटर को बंद कर दिया गया, आप जो है उस दिन का डेट डाल दीजिएगा तो ये फॉर्म जो है रद्द हो जाएगा। आप लोग जो है आप लोग को जो है दूसरा फॉर्म फिलअप करना होगा। आप लोग काउंटर के आसपास चल जाइएगा तो यहाँ पर जो आप लोग का डेट डाल देना है। उसके बाद स्थान जो है आप लोग जहाँ से आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर स्थान जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर आने की जो है यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर फुल नेम लिख देना है। यहाँ पर जो है घोषणा आ गई तो यहाँ पर आप देख सकती है कि ये घोषणा होती है तो यहाँ पर आप देख सकती है कि मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है। मैंने इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कानूनी कार्रवाई का भाग होऊंगा। तो यहाँ अगर इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप पहले से आप आवेदन के लिए फॉर्म दिए हैं तो आप लोग जो है नहीं दे सकते हैं दोबारा, नहीं तो आप पर जो है दंडात्मक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर जो है वही आदमी जो है फॉर्म देंगे जिसका अभी तक नया राशन कार्ड नहीं बना है, वही आदमी जो है फॉर्म फिलअप करके देंगे। अगर जिसका पहले से जो है फॉर्म फिलअप करके दे दिए है उनका बन गया है दोबारा बनवाना चाहते हैं, यहाँ पर जो है दंडात्मक कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर से यहाँ पर दिनांक को टाइप कर देना है और स्थान, उसके यहाँ पर इसका छोड़ देना है। अधिकारी जो है ये सेलेक्ट करेंगे आपका स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत हुआ है। अधिकारी जो है इसका रद्द करेगा या एक्सेप्ट करेगा उनके हाथ में, यहाँ पर इसका छोड़ देना है, इसमें कुछ भी टिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है आवेदक के। उसके बाद यहाँ पर फुल नेम लिख देना है। यहाँ पर जो है कुछ निर्देश दिया गया है, आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। यहाँ पर जो है सभी आवेदन पत्र आरटीपीएस के माध्यम से लिए जाएंगे। यहाँ पर जो है आपका जो भी जो है फॉर्म जो है आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से ही लिए जाएंगे। आरटीपीएस के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा। यहाँ पर जो है अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जो है ये फॉर्म जमा किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आरटीपीएस के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को एक सप्ताह के अंदर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अंदर जो है अनुमंडल पदाधिकारी को पास जो है किया जाएगा। यहां पर जो है आपका जो है ये जो है फॉर्म जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो है प्राप्त आवेदन पत्र को जो है जांच कर जो है 15 दिनों के अंदर जो है ये अनुमंडल पदाधिकारी के पास जो है भेजा जाएगा वापस। आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पर जो है सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात, देखिए यहाँ पर जो नए राशन कार्ड का निर्गमन, आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र कम में, उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप करके देना होगा। उसके बाद जो है दो नंबर में जो है आधार कार्ड का छाया प्रति, जितने आप मेंबर का नाम उसमें ऐड किए हैं वो सभी का जो है आधार कार्ड का छाया प्रति लगाना होगा, यानी कि फोटो कॉपी सभी का आधार कार्ड का देना होगा। उसके बाद तीन नंबर में आप देख सकते हैं बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, जिस पर खाताधारी को नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड रहता है। यहाँ पर जो है आपको पासबुक पर सभी का सभी देखने को मिल जाएगा। आप जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनका जो है पासबुक होना बहुत जरूरी है, वहाँ पर आपको पासबुक का जो है फोटो कॉपी उसमें लगाना होगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद जो है विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र क के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो के संबंध में शपथ पत्र, यहाँ पर आपको जो है अपडेबिट बनवाना होगा, यानी कि एक शपथ पत्र जो है आप लोग को बनवाना होगा अनुमंडल कार्यालय में जो है ये बन जाएगा आसानी से। आपको जो है 10 अथवा 11 जो लागू है, आपको पहले मैं बताया हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ऊपर वाला जो फिलअप करना है टिक करना है, उसके बाद जो है आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको नीचे वाला उसमें जो है ध्यानपूर्वक जो है उसमें आपको टिक कर दीजिए। यहाँ पर जो इतने कागजात जो है आप लोगों को लगाना जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो इसी वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए। बगल में बेल घंटी जाएगा उसका पॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहेगी, आप लोग जान सकेंगे उन सरकारी योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।